गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ड्राइंग, फर्स्ट ईयर का ड्राइंग जो सभी टेट के लिए है, कॉमन ही रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर, डीजल हो, फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आता है ये इस प्रकार का कि हम लोग कैसे षष्ठभुज हेक्सागोन की निर्माण करेंगे। ठीक है, हेक्सागोन का कैसे निर्माण करेंगे एक्रॉस फ्लैट मेथड से। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा एक्रॉस फ्लैट मेथड्स उसको बोलते हैं, इसको हिंदी में अगर हम बोले तो फ्लैट के आर बार इसको विधि बोलते हैं हिंदी में। तो क्वेश्चन नंबर चार करेंगे, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन टू भी देख लेते हैं। ठीक है, जिससे बात करें अगर हम दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ पे हेक्सागोन पर, ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा चार नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर हेक्सा पे एक वन बना चुके थे जो हमारा प्रोट्रैक्टर मेथड से था, क्वेश्चन नंबर टू हमारा इस पे था आर्क मेथड से, और क्वेश्चन नंबर थ्री इसी पे हमारा बन गया था। इससे पहले क्वेश्चन नंबर थ्री था हमारा वृत्त के अंदर बना था, ये जो हमारा जनरल मेथड होता है। ठीक है, ये तुम्हारा जनरल मेथड होता है जिससे हम लोग पेंटागन भी बना सकते हैं, हेप्टागन भी बना सकते हैं, ऑक्टागन भी बना सकते हैं प्रोसेस से, और क्वेश्चन नंबर चार अभी इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इन सबका लिंक चाहिए तो आप सब सारे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर चार पे, और बाकी तो आपको ये पता है कि ये टाइटल ब्लॉक हम लोग बनाते हैं ड्राइंग पे, ये हमारा क्लास वाला टाइटल ब्लॉक है। हो सकता है कि आपका टाइटल ब्लॉक आपके सर अलग बताए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लास वाला टाइटल है तो उसमें चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, अगर BIS के द्वारा जो प्रस्तावित है अगर वो हम बात करेंगे तो वो हमारा नो चेंजिंग होता है, लेकिन ये क्लास वाला टाइटल अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सर अलग तरह से पढ़ा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके सर का भी ठीक है, मेरा भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, और टाइटल ब्लॉक तो आप बना ही बनाए। ठीक है, लॉकडाउन है तो क्या है, मान लीजिए कि आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं आप बनाए, फिर आप जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप जहाँ पे जाएंगे, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं एनएससी ग्रुप ऑफ ITI के, तो वहाँ आप जाके फिर अपने अपने सर को दिखाएंगे। ठीक है, चेक करवाएंगे अपना अपना। ठीक है, अभी लॉकडाउन में तो आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए ही बैठ के। उस बारे की आगे क्या करना आपको, क्वेश्चन नंबर चार कैसे बनाना है, तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग जैसा कि आपको देखा 40 में ब्यास वाला नियमित करना है, किसे फ्लैट के मेथड से करना है, एक्रॉस फ्लैट मेथड। ठीक है, जब आएगा कि हाँ एक्रॉस फ्लैट मेथड से बनाना है तब इस प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करना आपको, बेस लाइन लेना होगा। ठीक है, बेस लाइन लेंगे या फिर एक सेंटर लाइन को खींचेंगे इस बार। ठीक है, तो बेस लाइन लेते हैं, उसी से हम सेंटर लाइन बना लेंगे। देखिए तो इस तरह का एक आपको पता है यहाँ पे कॉर्नर में लगाते हैं हम लोग, ड्राइंग शीट के कॉर्नर में लगाते हैं, और कॉर्नर में लगा के हम लोग क्या करते हैं एक ये खींचते हैं। तो देखिए इस तरह का हमारा यहाँ पे खींचा जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से एक मान लीजिए कि यहाँ से हम एक सेंटर लाइन को लेते हैं। ठीक है, इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन को कैसे लेते हैं, इस तरह का हम एक सेंटर लाइन लेते हैं, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, आपको सेंटर लाइन खींचने के लिए आता ही होगा, इस तरह का एक सेंटर लाइन को खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह का एक सेंटर लाइन को आप खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह का हम लोग सेंटर लाइन को खींच लिए। अब देखिए सेंटर लाइन खींचने के बाद क्या करना होगा, कोई आप देखिए यहाँ से क्या करना है, 40 में ब्यास वाला ना, तो ये वृत्त बनाना होगा, तो 40 में ब्यास वाला त्रिज्या लेना होगा 20। तो 20 एम यहाँ से आप यहाँ से क्या करेंगे, 20 एम का यहाँ से फिल कर लेंगे इसमें। ठीक है, और किसी भी पॉइंट से लीजिए। ठीक है, जिस पॉइंट से आपको लेना हो, मान लीजिए हम इस पॉइंट से लेना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट से लीजिए, मान लीजिए हम इस पॉइंट से लेना चाहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ से क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे 20 एम त्रिज्या लेके। ठीक है, तो चलिए हम एक 20 एम त्रिज्या लेके यहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि पहले हम बेस लाइन क्यों लिए, हम तो सेंटर लेके हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते थे, उसके बाद फिर वो हम ले लेते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर जब भी देखिए लेना होगा ना तो आपको बेस लाइन से ही लेना होगा, अगर ऐसे लीजिएगा तो आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ये आपका अभी बताएंगे क्या टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, इस तरह का एक सर्कल बनाना है। आप बोलिएगा कि ये हम पहले पॉइंट ले सकते थे, उसके बाद फिर हम इस पॉइंट को मिला देते। ठीक है, पहले हम क्यों लिए सेंटर लाइन, ये सेट स्क्वायर चला के हम क्यों लिए, इसीलिए कि देखिए आप ऐसे खींचेगा, मान लीजिए आप ऐसे अंदाज से कैसे टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो भी लेते हैं तो बेस लाइन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट, अब देखिए ये हमारा पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बना, और एक पॉइंट हमारा ये तुम्हारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका डायमीटर हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डायमीटर हो गया। तो इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा ए हो गया, और ये हमारा मान लीजिए ए बी सी, इसको हम डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सीधा हो गया ए बी सी, ये हमारा ए हो गया, ये इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, और इस पॉइंट को मान लीजिए ओ मान लीजिए, सेंटर है हमारा ये। अब देखिए क्या करना है आपको, अब बिल्कुल आसान है, अब देखिए ये अब क्या करना है आपको, अब देखिए क्या करना है आपको, इस पॉइंट से आप चलेंगे। ठीक है, और
अब ठीक है, एक एक तो आपने हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल आपने एक सेंटर लाइन खींच लिया, तो आपको वर्टिकल लाइन भी खींचना होगा, वर्टिकल सेंटर खींचना होगा, ठीक है, सेंटर लाइन खींचना होगा वर्टिकल में, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, बेस लाइन हमारा सेट स्क्वायर से लेंगे लगा के, बिल्कुल 90 डिग्री में आएगा, ठीक है। तो ये फिर आप क्या कीजिए, एक बेस लाइन को लगाइए, ठीक है, मान लीजिए हम यही बेस लाइन को लगा लेते हैं, और इसको क्या करेंगे, हॉरिजेंटल खड़ा कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ से बेस बेस लाइन में ये लगा लिए, ठीक है, और ये वाला हम पॉइंट यहाँ पे ले आते हैं इसको, ठीक है। और देखिए इस पॉइंट को जब ले आइएगा, तो उसके बाद कैसे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, बिल्कुल इसको आराम से इसको ये करेंगे, इस पॉइंट पे लेते हैं, फिर देखिए इसको लगाएंगे ऐसे, और ये हमारा यहाँ से क्या करेगा, ठीक है, थोड़ा सा भाग गया ये, ठीक है, पॉइंट से थोड़ा सा इसको हम पीछे कर लेते हैं, सेंटर से खींचना है उसको वो पॉइंट से, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे एक सेंटर से खींचेंगे इसको, बिल्कुल आराम से खिंचाएगा, ठीक है, बिल्कुल हमारा ये आराम से खिंचाएगा, इस तरह खींचना है। फिर आपको सेंटर लाइन खींचना है तो एक सेंटर लाइन को खींच देंगे, जैसे सेंटर लाइन को खींचा जाता है, ठीक है, सेंटर लाइन को जैसा खींचा जाता है उसी तरह खींचेंगे आप, ठीक है। इस तरह का हमारा क्या हो गया, एक सेंटर लाइन को खींच दिया वर्टिकल, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल जब आपने सेंटर लाइन को खींच दिया, अब देखिए क्या करना है, इसमें क्या होता है, बाय अक्रॉस फ्लैट मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका 60 स्क्वायर वाला कौन सा सेट स्क्वायर है, तो 60 स्क्वायर वाला तो हमारा यही है ना, यही वाला है हमारा, देखिए आराम से, ये हमारा 30 डिग्री था, और हमारा ये 60 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री, तो ये वाला 60 डिग्री वाला ये है, ठीक है, ये वाला हमारा पॉइंट है, तो इसी काम पड़ेगा इसमें, ठीक है। इस सेट स्क्वायर से इसको खींचते हैं हम लोग, ये हमारा 60, इससे 60 डिग्री खींचेंगे, कैसा खींचेंगे देखिए। अब आपको क्या करना है, आपको फिर एक बेस लाइन लगाना होगा आपको, ठीक है, यही वाला मान लीजिए हम बेस लाइन को ले लेते हैं, एक टेम बेस लाइन इसी को हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा बेस लाइन था ही था, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे कर देते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग मान लीजिए कि इसकी को हम लोग थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ठीक है, इस तरह का, इस तरह हम लोग इसको पीछे कर दिए। अब देखिए क्या करना है, ये हमारा 60 डिग्री खींचाएगा यहाँ से, ठीक है, ये देखिए ये हम इसको 90 डिग्री पर लगाए हैं, तो ये वाला जो खींचेगा पूरा 60 डिग्री खींचेगा, ठीक है, ये हमारा हमारा पूरा क्या खींचेगा, ये 60 डिग्री खींचेगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ से 60 डिग्री पे खींच रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये 30 डिग्री भी नहीं खींचाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग वर्टिकल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल 90 डिग्री यहाँ पर लगा हुआ है, 90 डिग्री लगा हुआ, तो ये हमारा 60 डिग्री पर खींचाएगा, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री पे खींचाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इस पॉइंट से क्या करना है आपको, इस पॉइंट से आपको यहाँ से 60 डिग्री पे खींचना है, ये लाइनिंग को खींचे, देखिए इस वृत्त के परिधि पे कहाँ टच कर रहा है, ठीक है, तो जहाँ टच करेगा, टच करने दीजिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये टच किया, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे हमारा ये टच किया, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पर टच किया, ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट टच है, इसको नाम दे दीजिए बी, और यही हमारा ए और बी क्या हो गया, इस हेक्सागोन का पहला भुजा बन गया, ठीक है, यही हमारा ए भी क्या हो गया, वृत्त का पहला भुजा बन गया। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, डी पॉइंट से भी खींच सकते हैं, डी वाला पॉइंट से, ठीक है, डी वाला पॉइंट से इधर खींच देंगे, तो दो को यहाँ से खींच सकते हैं आराम से, देखिए फिर क्या करेंगे, डी पॉइंट पे ले जाएंगे, ठीक है, डी पॉइंट पे ले जाना है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, डी पॉइंट पे ले गए, उसके बाद देखिए फिर यहाँ से खींचेंगे, जहाँ भी वो टच करेगा वृत्त के परिधि पे, वहाँ पे पॉइंट बन जाएगा एक, ठीक है, इस तरह का यहाँ पर टच किए, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट बन गया, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, बीच में सी होगा, ये हमारा डी हो गया, और इसको नाम दे दीजिए ई, इसको नाम क्या दे देते हैं हम लोग, ई इसको नाम दे देते हैं। देखिए अब ये हमारा ये 60 डिग्री बन गया, ठीक है, इसी से हम लोग 60 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री क्यों लेते हैं, चूंकि हेक्सागन का पता है ना आपको, कि हेक्सागन का अगर हम बात करें तो हेक्सागन में एक एंगल कितना होता है, अगर हम हेक्सागन बनाते हैं इस तरह का, मान लीजिए कि हमारा इस तरह का हेक्सागन अगर हम बनाते हैं, तो हेक्सागन में क्या होता है, ये हम लोग हेक्सागन इस रूप में बनाते हैं, मान लीजिए इस रूप में हमारा ये हेक्सागन बनता है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, पाँच, छः हेक्सागन हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह में, ठीक है, थोड़ा सा जरा और आता तो कोई दिक्कत नहीं है, रब बना रहे इसको समझाने के लिए आपको, देखिए ये इस तरह हम बनाते हैं, तो इसका एंगल कितना होता है, मतलब ये जो हम लोग एंगल यहाँ से खींचते हैं, ये कितना खींचते हैं इधर, तो ये हम लोग खींचते हैं कितना पे, 120 डिग्री, और इधर से खींचेंगे तो इधर से 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, अगर मान लीजिए क्लॉक वाइज खींचेंगे तो कितना, क्लॉक वाइज खींचेंगे तो 60 डिग्री, और एंटी क्लॉक वाइज खींचेंगे कितना, 120 डिग्री, तो 60 डिग्री 120 डिग्री तो बराबर ही है इसमें, एंटी क्लॉक 120 यहाँ है तो 60 भी बराबर है, निर्भर करता है कि आप क्लॉक वाइज ले रहे हैं एंगल को या फिर एंटी क्लॉक वाइज ले रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं, या चूंकि इसलिए मतलब कि ये 60 डिग्री वाला ही प्रोसेस है, ये हेक्सागन में 60 डिग्री होता है, तो इसलिए फ्लैट मेथड से सिर्फ यही बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ था, तो इसलिए इसको हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री हम लोग यहाँ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग एंगल, 60 डिग्री हम लोग एंगल क्यों लिए हैं, तो पता ही होगा कि 60 डिग्री एंगल हम लोग इसलिए वहाँ से लिए क्योंकि यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं ना, आप यहाँ से आप निकाल भी सकते हो कि यहाँ की देखिए एन माइनस, इसका सूत्र क्या होता है, एक एंगल का निकालेंगे तो एन माइनस इंटू इतना होता है, एन का वैल्यू 6 6 रखते हैं, और चूंकि हेक्सागन का जो भुजा होता है 6 होता है, उसके बाद 6 रखिएगा तो प्रूफ 120 डिग्री हुआ, 120 और 60 180, तो 120 या फिर 60 पे हम लेते हैं, तो इसलिए हम 60 पे यहाँ पे लिए, इसलिए इस विधि से ये बनता है, ये इसका स्पेशल विधि है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, आपको ये लाइनिंग ले ही लिए हैं, दो ही कट लगेगा इस पर। अब उसके बाद क्या करना है, अब ए और बी के दूरी को आप यहाँ से फिल कीजिए, ए और बी के दूरी को फिल करेंगे आप, ठीक है। इस प्रकार ए और बी को दूरी को फिल कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ए और बी के दूरी को यहाँ पे फिल कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा 20 का ही जा रहा देख रहे हैं, तो ये हमारा जितना पे जाएगा तो ये हमारा ए और बी के दूरी को फिक्स कर लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, आप यहाँ से इसको कट लगा सकते हैं, ठीक है, कट लगा के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं इस पॉइंट, इस सेंटर लाइन से देखिए यहाँ पे आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, या फिर कट नहीं कीजिएगा दूरी लेके, तो ये आप इसका दूरी यहाँ पे कितना हुआ 20 हुआ, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए इस सेंटर लाइन पे क्रॉस कर दीजिए, सेंटर लाइन पे ऐसे रखिए, इस सेंटर लाइन का इस पॉइंट जो हमारा इस पे पॉइंट इसको सेटिस्फाई को रखिए, कोई भी पॉइंट पे, ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये हमारा कोई भी एक पॉइंट को जो हमारा वर्टिकल है उस पॉइंट को रखिए, इसके हॉरिजॉन्टल, ये हमारा 90 डिग्री जो हमारा सेंटर लाइन है, ठीक है। और ए पॉइंट पे उसको देखिए, ठीक है, ए पॉइंट से तो देखिए वो अपने आप चला जाएगा 20 है ना, तो देखिए सेंटर लाइन से 10 इधर चला जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, देखिए जैसा कि देखिए यहाँ पे 20 पे यहाँ कट लग रहा था, देखिए यहाँ पे ये कट लगा था ना, देखिए यहाँ पे इसको भी कट लगाए थे, तो यहाँ पे हमारा ये आ रहा था, देखिए ये अपने आप देखिए आ गया, देखिए अपने आप आ गया, देख पा रहे हैं, देखिए 20 पे चला आया वो, 10 इधर 10 उधर, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप कट मार दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पे बन गया, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है। तो देखिए ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब इसको मिला देते हैं, पहले मिला देते तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मिला देते हैं इसको, तो देखिए हम यहाँ पे तो पेन यूज इसलिए कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, आपको यूज करना है पेंसिल यूज करना है, तो ड्राइंग की आप शुरुआत किससे करेंगे, 2H पेंसिल से करेंगे हल्के हाथ से, बाकी आप फाइनल करेंगे किससे, HB पेंसिल से, ठीक है। HB पेंसिल से आपको फाइनल करना है, मतलब HB पेंसिल से आप क्या करेंगे, सिर्फ ये जो हम भुजा खींच रहे हैं वो भुजा खींचना है, बाकी जो भी पेंसिल यूज किए वो 2H से ही करेंगे आप। उसके बाद देखिए ये हमारा ये इसको मिला दीजिए, तो देखिए इस प्रकार हमारा ये हो गया, और इसको भी मिला देते हैं पेन से, तो आपको दिखाई पड़ेगा स्पष्ट कि हेक्सागन का हाँ कितना भुजा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिए इस प्रकार हमारा ये हेक्सागन का ये भुजा बन गया, कितना भुजा बन गया, 1 2 3 4 बन गया, एक दो और बनाना है आपको, दो मतलब, तो ये फिर क्या होगा यहाँ पे, ये कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर या फिर आप सेटिस्फाई से नाप लीजिए, या फिर ये दूरी हम 20 नापे ही नापे हैं, तो यहाँ से क्या करिए इस पॉइंट से आप क्या कर दीजिए कट मार दीजिए इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कट मार दीजिए इसके परिधि पे, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। फिर या फिर आप इससे भी कर सकते थे, इसके यहाँ पे रखते हैं हम वर्टिकल, और ई पॉइंट पे देखते हैं ई पॉइंट को, ठीक है, ई पॉइंट को सेट स्क्वायर लगा के, ठीक है, सेट स्क्वायर को लगा के देखेंगे बिल्कुल आराम से बेस लाइन से, तो ये हमारा क्या करेगा एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है। देख पा रहे हैं, देखिए ये हमारा 10 इधर चला जाएगा, 10 हमारा इधर चला जाएगा सेंटर लाइन से, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट जब बन गया तो इसको क्या करेंगे मिला, इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा ई तो हो गया था, ये हमारा मान जिसको हम एफ नाम दे देते हैं, ठीक है, ये हमारा एफ नाम दे दिए इसको। अब क्या करना है आपको, ये हमारा ई से एफ को मिला दीजिए, ठीक है, ई से एफ को मिला दीजिए, ई से एफ को, ठीक है, और ए से फिर आप एफ को मिला दीजिए, ए से फिर आप एफ को मिलाएंगे, ठीक है, तो ए से आप एफ को मिलाएंगे बिल्कुल आराम से, देखिए इस प्रकार आप ए से एफ को मिला दिए, इस प्रकार हमारा क्या हो गया हेक्सागन बन गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा हेक्सागन बन गया, ए बी बी सी सी डी ई एफ एफ, देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार हमारा क्या हो गया हेक्सागन बन गया, ठीक है, जिसमें कि अब मेन आया इसमें ये 60 डिग्री वाला हम यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हेक्सागन बनाने के लिए स्पेशल मेथड है, ठीक है, हम बात करें तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पड़े तो ये हमारा स्पेशल मेथड इसको कर सकते हैं हेक्सागन बनाने के लिए, इस तरह हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो ही गया,
ठीक है, इस प्रकार हमारा ये हो गया। ठीक है, और इसमें आप ये भी दिखा सकते हैं कि कितना का ये, इसका डायमेंशन भी कर सकते हैं आप। डायमेंशन क्या, ये वाला, इसको डायमेंशन कर दीजिए आप कि ये कितना डिग्री पर आप इसको ले रहे हैं। इस सेंटर लाइन से ये कर दीजिए 45 पे इसको लेते हैं हम लोग, और इधर से फिर ये कर दीजिए आप कि कितना डिग्री पर इसको लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको, इसको जो आपको देखिए यहाँ, तो आप ये तो हम ऐसे ले लिए, लेकिन आपको ये 45 डिग्री पर लेना चाहिए। ठीक है, इसको 45 पे लेके दिखाते हैं आपको, ऐसे नहीं लेना आपको, 45 पे लेना है। ठीक है, ठीक है, 45 पे कैसे लेंगे बताते हैं आपको। ऐसे नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग लीडर लाइन बोलते हैं। ठीक है, लीडर, इसके ब्रिज के अगर सर्कल को डायमेंशन करना हो तो लीडर लाइन से करते हैं ना, लीडर लाइन से करेंगे। कैसे करेंगे, आप ये लगा लीजिए यहाँ पे, 45 डिग्री खींचना पड़ता है ना, 45 डिग्री खींचना पड़ता है इसको, लीडर लाइन को, नेतृत्व रेखा को। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करना आपको, 45 डिग्री ये वाला देखिए, यहाँ से गए, ये हमारा ओ सेंटर से खींचेंगे, इधर किधर भी, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, जिधर खींचना हो खींच दीजिए 45 डिग्री पे कुछ इस तरीके, ये हमारा 45 डिग्री वाला है। ठीक है, इस पर लगाएंगे और इस पॉइंट से हमारा ये 45 पे इसको लेके चले जाएंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इसको 45 पे लेके चले गए, और फिर इसी को ये लगाए ही हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसको फिर वहाँ से हम लोग 90 ले चले जाते हैं। तो इस पॉइंट से क्या करना आपको, इस तरह का लाइनिंग खींच देना है, लीडर लाइन को खींचने के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं ना। ठीक है, इस तरह का हम लोग यूज करते हैं, ये हमारा 45 पे खींचा गया। और इसके बाद यहाँ क्या करना आपको, एरो हेड बना देना है, यहाँ पर हम लोग एरो हेड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरो हेड बनाते हैं, और यहाँ पे फिर हम लोग लिख देंगे कि कितना हो गया हमारा ये, यहाँ से हम लोग त्रिज्या को प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे R 20 mm। ठीक है, R कितना हो गया, 20, ये 20 mm का हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिट गया था, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ये मेथड से। ठीक है, और बाकी आप, ये हमारा कंप्लीट नहीं हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपका टाइटल ब्लॉक है, इसके अंदर आप जो भी डाटा डालना है वो डाल दीजिएगा अपना। ठीक है, और अपना लॉकडाउन जब खुलेगा तो अपने टीचर को दिखा दीजिएगा, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए, अगर आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।